वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट मजेदार से चीजी चिकन क्रिस्पी नगेट्स बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। यहाँ देखें, हमारे पास एक पाउंड यानी आधा किलो के आसपास चिकन ब्रेस्ट है जिसके दरमियाने पीसेस हैं। अगर आप चाहें तो चिकन के कीमे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसको हम डालते हैं फूड प्रोसेसर में और साथ ही हम डालेंगे इसमें कुछ स्पाइसेस जो कि कुछ यूं है, 1 teaspoon गार्लिक पाउडर, 1 teaspoon अनियन पाउडर, 1 teaspoon मिक्स सीजनिंग है यानी इटालियन सीजनिंग, 1 teaspoon पेपरिका या कश्मीरी लाल मिर्च ले सकते हैं, 1 teaspoon चिकन पाउडर यानी नूर या मैगी के चिकन क्यूब और आधा टीस्पून काली मिर्चें, ये सब चला जाएगा इसमें। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1/4 teaspoon नमक और इसको पीस लेंगे। चलो ये हो गया हमारा, तो अब इसको निकाल लेते हैं एक बोल में। अब इसमें हम डाल देंगे 1 cup चीज, और अगर इस पॉइंट पर आपको चीज नहीं डालनी हो तो अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और साथ ही इसमें हम डालेंगे 6 tablespoon ब्रेड क्रम्स, किसी भी किस्म के ले सकते हैं, ये मेरे प्लेन है। और अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो अगर आपके पास चिकन का कीमा है तो बस ये सारी चीजें डाल के और मिला लें, लेकिन कीमा जो है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। और ये बेस्ट है बच्चों को जब स्कूल में आप दे दें, बना के पहले से रखे हुए हो फ्रीज़र में, हाफ़ फ्राई किए हुए भी हो सकते हैं, कच्चे भी हो सकते हैं। मैं जनरली हाफ़ फ्राई करके रखती हूँ, फिर या एयर फ्रायर में डाल दें या ओवन में डाल दें या फ्राई कर लें, जैसे आपको अच्छा लगता है, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा उससे। अब देखें हमारे पास या 2 tablespoon है कॉर्न स्टार्च, कॉर्नफ्लोर, कॉर्न सूप बनाने वाला। इसमें अब हम पानी डालेंगे और एक पतली सी स्लरी बना लेंगे। तो ये 6 tablespoon हमने पानी डाल दिया है इसमें, 2 tablespoon कॉर्न स्टार्च में। तो ये देखिए इस तरह की लग रही है, तो बस ऐसी चाहिए। और यहाँ देखें हमारे पास कॉर्नफ्लेक्स है जो कि है 1 cup, इसको हम इस तरह से चूरा कर लेते हैं, ये निकाल लेंगे प्लेट में। फीका कॉर्नफ्लेक्स है बिल्कुल। अब ये हम अपनी मनपसंद साइज के पीसेस बनाएंगे। तो ये एक छोटा कोफ्ते का बॉल ले लिया, तो बस इस तरह से चपटा कर लिया। अब देखें हमारे पास यहाँ है 6 tablespoon मैदा, और फर्स्ट हम डालेंगे फ्लावर में, मैदे में झटक लेंगे एक्स्ट्रा। अब स्लरी में डालेंगे और अब कॉर्नफ्लेक्स में डालेंगे। बस इस तरह से रखते जाएंगे, और अगर आप चाहें तो इस तरह सेपरेट सेपरेट रख के फ्रीज भी कर सकते हैं, और जब फ्रीज हो जाए तब जिपलॉक बैग में डाल दें, किसी कंटेनर में डाल दें, और फिर जब ज़रूरत हो गरम गरम तेल में डालें और फ्राई कर लें। ठीक है, तो बस कंटिन्यू इसी तरह से करते हैं। चलिए लास्ट भी हो गया हमारा, और यहाँ देखें तेल हमारा गरम हो रहा था, मीडियम पे गरम करने के लिए रखा था, और कोई भी स्टिक लेके देखेंगे डालेंगे तो देखें बबल्स जो है वो बहुत तेज़ी से नहीं आ रहे लेकिन अच्छे खासे आ रहे हैं। तो ये अब डालना शुरू कर देंगे हम इसमें।
अब जितना आपके तेल में गुंजाइश हो इतना आप डाल दें और गोल्डन ब्राउन हो जब तक फ्राई करना है। बिगनिंग में बिल्कुल टच नहीं करेंगे, दो मिनट तक। अब ये देखें, दो मिनट होने वाली बबल्स जो एकदम हाई जा रहे थे ना, वो थोड़े से कॉम डाउन हुए, तब इसको हम चम्मच चलाएंगे और हिलाएंगे। देखिए कितने खुश हैं। तो अंदाजन हम इसको फ्राई करेंगे, दो मिनट तो हो गए हैं, 5 से 6 मिनट और। देखिए 8-9 मिनट हो गए हैं, चूल्हे को करते हैं बंद और नगेट्स को निकालते हैं। देखा कैसे क्रिस्पी करारे। और ये है हमारा केचप। देखा कैसे झटपट खतरनाक से हमारे क्रिस्पी चीजी चिकन नगेट्स बन गए, मानते हैं आप? और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा। इस कदर क्रिस्पी ऊपर से और अंदर से इतना फ्लेवरफुल, क्योंकि सारे हमने मसाले डाले, चीज डाली, बाइंडिंग आपने देखा कितना खतरनाक थी कि झटपट बने, झटपट फ्राई हुए। बच्चे तो पागल हो जाएंगे। तो चले एक बाइट आप लोगों के लिए, बेबीज के लिए। सुपर खतरनाक। बच्चों को लंच बॉक्स में देंगे वो तो पागल 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 ही हो जाएंगे। मजे की बात ये कि फ्रीज कर दें, फिर जब दिल चाहा बना के दें, बच्चे स्नैक के तौर पे, लंच ब्रंच सब तरह से बड़े खुश हो जाएंगे। और हमारे यहाँ तो बड़ों को भी बहुत पसंद है। जोई और आना नहीं होते हैं वरना तो वो ट्राई करते और आपको बताते कि कैसा लग रहा है। बोले आना तो है, जोई नहीं है। नेक्स्ट टाइम जोई को बुलाऊंगी और वो बेबीज को कहेगी। तो चलिए जल्दी दी जाए, बनाए, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन खतरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।